ये क्या न्याय मिला है उसकी सजा से? ठाकुरवादी, जातिवादी न्याय, धर्मवादी न्याय, ये न्याय मिला है? मिला है तो ठाकुर लोगों को न्याय मिला है, हम लोगों को न्याय नहीं मिला। हाथरस केस में कोर्ट के फैसले पर उठे सवाल। योगी जी ने ना ठाकुरवादी बना कर रखा है यूपी को, ठाकुरवादी। पीड़ित परिवार ने कहा ठाकुरों को मिला न्याय। हम भंगी की औलाद है, छाती ठोक के बोलते हैं भंगी को, ठाकुरवादियों से ज्यादा वो नहीं करते हम, क्योंकि उन्हें न्याय मिला है, हमें न्याय नहीं मिला। पीड़िता की भाभी बोली योगी के ठाकुरवाद की जीत हुई। हम हिंदू नहीं है, हम लोग हिंदू भी नहीं है, क्योंकि हिंदू होने का कोई मतलब है आप बताइए? कोई है? नहीं है। हम किसी भी गिनती में नहीं आते, किसी गिनती में नहीं आते। गंदी नाली कीड़े मकोड़े बना रखे हमको तो। इस गुस्से की वजह आप समझ सकते हैं। हाथरस की जिस बेटी के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई थी, जब 2.5 साल बाद भी उसे न्याय नहीं मिला तो परिवार का यूं बिफर पड़ना समझ आता है। आज कोर्ट में जो भाभी हूँ, आज कोर्ट ने फैसला किया है, उससे क्या संतुष्ट हैं आप? नहीं, संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। अपना संतुष्टि जब भी होगी तो चारों को सजा मिलेगी, चारों को सजा मिलेगी तब संतुष्ट होंगे हम। तो क्या अस्थियां जो रखा किए विसर्जित करेंगे? नहीं, उनका विसर्जन जब होगा, जब चारों को सजा मिलेगी तब। अब आगे क्या कदम होगा आप लोगों? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, आगे न्यायालय और है उनमें है, उनके लिए हम लोग अपील करेंगे। मगर इस कोर्ट से जो भी मिला है, संदीप को जो सजा मिली है, संदीप की सजा से हमारा कुछ वो नहीं है, हो रहा ना। संदीप से सजा से न्याय नहीं मिला? क्या न्याय मिला? क्या न्याय मिला उससे बताइए? क्या न्याय मिला है उसकी सजा से? ठाकुरवादी, जातिवादी न्याय, धर्मवादी न्याय, ये न्याय मिला है? मिला है तो ठाकुर लोगों को न्याय मिला है, हम लोगों को न्याय नहीं मिला। योगी जी ने ना ठाकुरवादी बना के रखा है यूपी को, ठाकुरवादी। हम भंगी की औलाद है, छाती ठोक के बोलते हैं भंगी को, ठाकुरवादियों से ज्यादा वो नहीं करते हम, क्योंकि उन्हें न्याय मिला है, हमें न्याय नहीं मिला। हम हिंदू नहीं है, हम लोग हिंदू भी नहीं है, क्योंकि हिंदू होने का कोई मतलब है आप बताइए? कोई है? नहीं है। हम किसी भी गिनती में नहीं आते, किसी गिनती में नहीं आते। गंदी नाली कीड़े मकोड़े बना रखे हमको तो। हाथरस केस में कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया वो भी समझ लीजिए। हाथरस केस में SC/ST कोर्ट ने सुनाया फैसला। कोर्ट ने 3 आरोपियों को किया बरी, 1 दोषी। कोर्ट में नहीं साबित हुआ गैंगरेप का आरोप। हाथरस के चर्चित गैंगरेप कांड में आज फैसला आ गया। 2.5 साल बाद SC/ST कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 4 आरोपियों में से 1 संदीप ठाकुर को ही दोषी माना, जबकि 3 आरोपियों लवकुश सिंह, रामू सिंह और रवि सिंह को बरी कर दिया। हालांकि चारों आरोपियों पर गैंगरेप का आरोप साबित नहीं हुआ। संदीप ठाकुर को भी गैर इरादतन हत्या यानी धारा 304 और SC/ST एक्ट में दोषी माना गया है। संदीप को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा है कि वो कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। इससे पहले गुरुवार सुबह चारों आरोपियों को पेशी पर कोर्ट में लाया गया था। फैसले को देखते हुए कोर्ट में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को बरी कर दिया और 1 आरोपी को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया। मामला हाथरस के चंदपा क्षेत्र के गांव का है। 14 सितंबर 2020 को दलित युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। आरोप गांव के ही 4 युवकों पर लगा था। पीड़िता की बेरहमी से जीभ भी काट दी गई थी। युवती के भाई ने गांव के ही संदीप ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में युवती के बयान के आधार पर 26 सितंबर को 3 अन्य के खिलाफ यानी लवकुश सिंह, रामू सिंह और रवि सिंह को भी आरोपी बनाया गया था। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर तब जेल भेज दिया गया था। युवती को गंभीर हालत में जिला हॉस्पिटल लाया गया था। अलीगढ़ के GN मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कराया गया था, जहां आरोप लगा कि युवती को सही समय पर इलाज नहीं दिया गया। उसे 28 सितंबर को गंभीर हालत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया था, जहां 29 सितंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। जब शव हाथरस लाया गया तो पुलिस ने बिना परिजनों की अनुमति के उसी रात शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। उसकी लाश पर पेट्रोल डालकर लावारिशों की तरह उसे जला दिया था। इस घटना के फोटो और वीडियो वायरल होते हुए जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। मामला बढ़ने पर योगी सरकार ने SP और CO सहित 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया था।
इसके बाद 11 अक्टूबर को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। यूपी सरकार की सिफारिश के बाद सीबीआई ने केस टेक ओवर किया। सीबीआई ने इस मामले में 104 लोगों को गवाह बनाया। इनमें से 35 लोगों की गवाही हुई थी। 67 दिन जांच के बाद सीबीआई ने 18 दिसंबर 2020 को चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। सीबीआई ने 11 अक्टूबर को हाथरस केस की जांच शुरू की थी। जांच के दौरान पीड़ित और आरोपियों के परिजन समेत 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई थी। घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचने का दावा करने वाले चश्मदीद से भी कई बार पूछताछ की गई थी। क्राइम सीन के रिक्रिएशन के साथ साथ घटनास्थल का भी नक्शा बनाया गया था। इसके बाद सीबीआई ने इस मामले में आरोपी बनाए गए चारों लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 325, एससी एसटी एक्ट 302 यानी हत्या, 354 महिला पर दुष्कर्म की नियत से हमला, 376 ए और 376 डी यानी रेप के तहत आरोप तय किए थे। सीबीआई ने 22 सितंबर को मौत से पहले पीड़िता के आखिरी बयान को भी आधार बनाया था और 2000 पेज की चार्जशीट फाइल की थी। चार्जशीट में कहा गया था कि चारों आरोपियों ने हत्या करने से पहले पीड़िता से गैंगरेप किया था। हालांकि कोर्ट में गैंगरेप और हत्या की पुष्टि नहीं हुई। पीड़ित पक्ष के वकील महिपाल सिंह ने कहा, कोर्ट ने तीन आरोपियों को बरी किया है। संदीप को धारा 304 और एससी एसटी एक्ट के तहत दोषी माना है। उसे आजीवन कारावास की सजा हुई है। गैंगरेप को कोर्ट ने क्यों स्वीकार नहीं किया, ये जजमेंट की कॉपी मिलने के बाद पता चलेगा। जजमेंट की कॉपी पढ़ने के बाद हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। पीड़ित परिवार को जिला अदालत से तो न्याय नहीं मिला, लेकिन हाई कोर्ट से उन्हें न्याय की उम्मीद है। अब पीड़ित परिवार हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वहां भी पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।